से आ रहा है वो गोमुख है, जहाँ वो भी चारों तरफ शिवलिंग विराजमान है। कल्पेश्वर है, तुंगनाथ है। हमने चौखंबा बहुत बढ़िया देखी, साफ देखी, बट अनफॉर्चुनेट बारिश होती थी एंड इट कंटिन्यू। इन अनफॉर्चुनेट का एक बादल है तो दिख नहीं रहा है। मतलब अगर आपको कंटेंट ये पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। करने का प्रोग्राम चल रहा है अभी अपना सारी विलेज, और वहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। कम से कम जिनके शरीर में खराबी है लोकल को चाहिए उनसे कोऑपरेट करें। अरे भाई जी घोड़े के नाम लगे, कहाँ से बंगाली लग रही है पार्टी पूरी? नहीं बंगाली नहीं, गुजराती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 3। जो ये आपको मेरे पीछे नीचे दिख रहे हैं, ये मंदिर है महादेव का, मध्यमहेश्वर। अभी मैं सुबह के 5:30 मैं अभी जा रहा हूँ बूढ़ा मध्यमहेश्वर। और ये पहाड़ ऐसे मैंने नीचे से क्लाइम करा है, तो यहाँ 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ये देखिएगा, नीचे का दृश्य देख लीजिए, ये रे महादेव का मंदिर। और यहाँ से ऊपर जाना है, वो ऊपर वो टॉप पे वो सनराइज पॉइंट है, जहाँ बूढ़ा मध्यमहेश्वर, जहाँ हमने जाना है। तो चलिए चलते हैं। भैया 6, सवा 6 का नज़ारा देख लो। मध्यमहेश्वर महाराज नीचे मंदिर में विराजमान है, झरने बह रहे हैं चारों तरफ, पीछे देखिए बादल। अब अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि जो गेस्ट हाउस वाला था वो कहता भैया यहाँ शॉर्टकट है, सीधा चढ़ जाओ, लाइक ऑलवेज। सो इट हैज़ लेड मी टू अ लॉट ऑफ मिजरी। ये देखिए यहाँ से मैं आया हूँ, अभी जाना है ऊपर, तो देखते हैं भैया। आई होप वी रीच सून। तो दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि मैं ठीक जगह हूँ, क्योंकि मुझे बूढ़ा मध्यमहेश्वर का मंदिर दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए पीछे वाली पीक से, ये सनसेट वाली पीक से, सनसेट यहाँ पे होता है। और वो देखिए सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो है बूढ़ा मध्यमहेश्वर का मंदिर। तो ये 1.5 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो मध्यमहेश्वर का मंदिर है उसके पीछे से एक ट्रैक जाता है, नॉर्मल ट्रैक से। ये शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। अभी 6:20 है, सनराइज हो चुका है, तो अभी देखते हैं। अभी ज़्यादा लेट नहीं है, बाकी देखते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर है बूढ़ा मध्यमहेश्वर का मंदिर। तो सीन देख लीजिए चारों तरफ, बहुत ही मनमोहक है, वेरी ब्यूटीफुल। पीक्स लिडन विद स्नो, वहाँ पे सूरज पड़ रहा है, सामने 2 झरने दिख रहे हैं, बहुत सारे, एक्चुअली 3 दिख रहे हैं अभी। जहाँ देखेंगे झरने दिखेंगे आपको, 4 दिख गए अब, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहीं से दिख रहे झरने। और पीछे पूरे हिमालय है। और देखिए कितने सारे झरने और दिख रहे हैं, 1 2 3। ये है यहाँ का सनराइज। अगर मेडिटेशन करते हैं उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आके 1 डेढ़ घंटा बैठिए, ध्यान लगाइए। ये नीचे नदी है जिसके साथ साथ हम आए थे, पूरी वैली दिख रही है यहाँ से। वो पीछे उखीमठ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 360 व्यू ऑफ हिमालय आपको मिलेगा। ये देखिए पूरा सर्कल है ये, एंड दिस इज टॉप ऑफ ए माउंटेन। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और उनमें से होते हुए झरने, झरने आप गिन नहीं सकते, इतने सारे हैं। ये चौखंबा पीक्स है सामने, चौखंबा और उसके अगल बगल की चोटियां हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े बादल लगे हैं तो ये इनकी टॉप दिख नहीं रही, अदरवाइज यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता। कल जो लोग आए थे, क्योंकि कल की मॉर्निंग साफ थी, तो लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमने चौखंबा बहुत बढ़िया देखी, साफ देखी। बट अनफॉर्चुनेटली कल तो बारिश हो ही रही थी, मैंने दिखाया आपको 2:30 बजे जब मैंने चेक इन करा तब से बारिश हो रही थी, एंड इट कंटिन्यूड। तो उसके बाद अभी भी थोड़ा सा ब्लरी है, तो इसीलिए पूरा दर्शन नहीं हो पाया चौखंबा पीक्स का। लकी वो देखिए ऊपर से जो बादल हट रहे हैं, ये है चौखंबा की चोटी, इतनी पास है बिल्कुल, लाइक यू कैन टच इट। तो फॉर्चुनेटली थोड़े बादल हट गए। और ये देखिए चौखंबा इन ऑल इट्स ग्लोरी। तो दोस्तों लगता है भगवान भोलेनाथ ने हमारी सुन ली और बादल साफ हो गए थोड़े। और ये आप देखिए सामने चौखंबा, ये पूरी जो हिमालय श्रृंखला है जो आपको नैनीताल अल्मोड़ा वगैरह से भी दिखती है, कुमाऊं रीजन से, गढ़वाल से तो ऑफकोर्स दिखती ही है। ये इसका बेस्ट व्यू है, बिल्कुल पास का। ये मध्यमहेश्वर है, ये सेकंड हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड है। तो इस हिसाब से काफ़ी ऊंची पीक है, तभी आप इतना पास से इसको देख पा रहे हैं। ये कुछ और बड़ी पीक्स है जो कि विजिबल है। पूरे जो हिमालय दर्शन की जो मेन पीक्स है, बट इनके नाम मुझे देखने पड़ेंगे इंटरनेट में, चौखंबा के अगल बगल की हैं। और ये दिस इज द बेस्ट व्यू यू कैन गेट। इट लुक्स लाइक ए कंप्यूटर डेस्कटॉप। बिल्कुल पास से दिख रही है। और ये अगर आप कुमाऊं जाएंगे अल्मोड़ा साइड, इतनी ऊंची पीक है वहाँ से भी दिखती है। तो ये जो मध्यमहेश्वर की पीक है, आई थिंक दिस इज द सेकंड हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से तभी यहाँ से इतनी पास से दिख रही है। ये चोपटा वैली से और केदारनाथ वैली से चौखंबा बिल्कुल पास से दिखता है आपको, बेस्ट भी दिखेगा इस पीक का। तो दोस्तों ये है बूढ़ा मध्यमहेश्वर का मैजिक, जिसके लिए लोग ओवरनाइट स्टे करते हैं मध्यमहेश्वर टेम्पल में और सुबह ये हिमालय दर्शन करने आते हैं। इट इज़ रियली अनपैरेलल्ड, टोटली ऑफ बीट। अगर आपको कंटेंट ये पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये रहा बूढ़ा मध्यमहेश्वर का टेम्पल, ये रही चौखंबा पीक्स और ये रहा एक सिंहासन। तो अभी मैं यहीं पर बैठता हूँ और कुछ देर के लिए इस ये जो ब्यूटीफुल सीन है इसको देखूँगा। फ़ोटो सेशन के लिए बिल्कुल बढ़िया मस्त जगह है, काफ़ी लोगों ने फ़ोटो सेशन लिए। ये जो लोग जा रहे हैं ये एमपी से हैं, ये लोग 4 दिन रुके या 5 दिन कह रहे हैं केदारनाथ रुके। इनको परमिशन नहीं दी गई आगे जाने की डॉक्यूमेंट्स के बिना, क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थी। देखिए पानी का कितनी प्यारी वेव्स आ रही है। ये बूढ़ा मध्यमहेश्वर का टेम्पल बस अभी नीचे जाने की तैयारी है। वैसे भी देखिए अब कोहरा दोबारा लगने लग गया। अच्छा वक्त, हमने बहुत बढ़िया दर्शन कर लिए, बस अभी नीचे जाने की तैयारी है। तो नीचे उतरने का प्रोग्राम चल रहा है अभी। ये नीचे देखिएगा मध्यमहेश्वर का मंदिर दिख रहा है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है पूरा दिख रहा है नीचे। हाँ तो दोस्तों मैं वापस पहुंच गया हूँ मध्यमहेश्वर जी के मंदिर में। तो यार ये जो रेगुलर रास्ता है ट्रैक का जो मंदिर के पीछे से जाता है ये भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से उतरा हूँ अभी। क्लियरली थोड़ा डिमार्केटेड है बट आसान उतरा नहीं है। तो सुबह अंधेरे का भी वक्त होता है जब आप जाते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। अगर जब आप आएंगे यहाँ पे कोई लोकल हो तो कोई लोकल को साथ में ले चले कुछ पैसे देके, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट ये ट्रैक गया है, अब रास्ते रास्ते में झाड़ियाँ हैं, कैसे कैसे फंसता है बंदा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अंधेरे के वक्त तो डिफ़िकल्ट होता ही है। तो भैया पानी वानी गर्म कराया और नहाए और उसके बाद अभी फ्रेश होके बिल्कुल नाश्ते की तैयारी है। 15 मिनट मैंने आराम करा, उसके बाद गर्म पानी से नहाए, अब ताजगी आ गई। ये देखिए व्यू, और यहाँ हमारे गर्मा गर्म आलू के परांठे बन रहे हैं और पानी भी इधर ही गर्म हुआ था जिसमें से लकड़ी की खुशबू आ रही थी। ये तैयार हो गए आलू के परांठे। तो अभी प्रोग्राम ये है, आगे सीधा रांसी तक पहुंचना है। यहाँ से 15 किलोमीटर होगा डाउन ट्रैक, बीच में अप भी है, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद वैसे देवरिया ताल का है तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ शाम को सुबह सुबह सब कुछ चलता, शाम को चलता नहीं। तो देखते हैं आगे देवरिया ताल का है, अगर हुआ तो यहाँ से फिर सारी विलेज निकलेंगे, सारी विलेज से फिर देवरिया ताल की चढ़ाई करेंगे। हाँ भैया तो उतरने का कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिया है। अभी नीचे रांसी पहुंचना है। कोशिश ये है कि मैं थोड़ा टाइमली पहुंच जाऊँ। अभी फॉर द रिकॉर्ड 10 बजे हैं, उतरने में मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ 5 तो नहीं 6 घंटे लगभग लग सकते हैं। तो अगर ठीक ट्रांसपोर्टेशन मिली, यहाँ से ओखीमठ, ओखीमठ से हम जाएंगे अपना सारी विलेज, और वहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है देवरिया ताल का। तो कोशिश करेंगे आज की रात देवरिया ताल में कैंपिंग की जाए, बाकी देखते हैं। भोलेनाथ की कृपा रही तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये जो लड़का आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है ये ग्वालियर से है। इसके साथ 6 लड़के और हैं, मतलब 5 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो इसको इन्होंने पहले भेज दिया एक्चुअली जब ये कल ऊपर चढ़ा था तो घोड़े पे चढ़ा था जिसने लिया 1500। अब ये बेचारा थोड़े इसकी टांग में खराबी है, तो अभी ऊपर घोड़े वाले ने मांगे 3000 ये दे नहीं सका, तो बेचारा पैदल जा रहा है। देखिए मतलब ये बटे हिम्मत वाला लड़का है, अच्छा चल रहा है। मेरे साथ ही निकला था ये और बढ़िया चल रहा है। चलिए भगवान करें पहुँच जाए सही सलामत। नानू चट्टी हम पहुँच चुके हैं और ये भाई जी घोड़े की नाल लगा रहे हैं। अभी नाल को क्या हुआ था भाई जी? निकल गया था ये। अच्छा ये। तो यात्री है मेरे ख्याल से बंगाली लग रही है पार्टी पूरी। नहीं बंगाली नहीं, गुजराती हैं। गुजराती हैं तो भैया ये सारे खच्चर हैं, ये सारे गुजराती करके आए हैं। ये देख लो इतने सारे। कितने भाई जी खच्चर? हमारे 18 खच्चर लगे हुए हैं भाई जी। अच्छा 18 लगे हुए हैं। और ये देखिए सामने बैठे पिकनिक मन रहा नानू चट्टी पे। ये भी देखिए यात्रा करने का तरीका है। अच्छा ओहो अच्छा मैं गाड़ी चला के लाया। अच्छा अभी थोड़ा फ्रेश हुए, बंतौली में थोड़ा लंच करा और ये देखिए नज़ारा है। पाँच किलोमीटर का अभी बाकी रह गया है जो कि अभी चढ़ाई होगी। जब मैं आया था तब उतराई थी, तो अभी वो चढ़ाई होगी। बैग वैग मैंने कलेक्ट कर लिया है और नीचे चप्पल डाल ली है क्योंकि पैर में थोड़े छाले टाइप ऐसा लग रहा था, दर्द हो रही थी। और एक मोटी सी बात बताना चाहता हूँ, कभी यहाँ पे आए सीधा चढ़ना चाहें अगर मध्यमहेश्वर तो 8 घंटे लगेंगे आपको। ये लेके चलिए सीधा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट और वापसी में आपको 6 घंटे में लगेंगे। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एस्टिमेट। कभी प्लान करें तो जस्ट कीप दिस फैक्ट इन व्यू। हाँ तो भाइयों 5, सवा 5 का वक्त है, ट्रैक हो गया ख़त्म। मैं आ गया वापस रांची। तो आगे वाला आज तो प्लान कुछ बनेगा क्योंकि बारिश हो रही है झमाझम। 2-3 घंटे अभी बारिश में चल के आया हूँ। तो देखिए आप हालत। ये 15 किलो बोझ है मेरे पीछे। 8.5 किलोमीटर चला इस पर और काफ़ी चढ़ाई थी। तो अगर अच्छा कंटेंट लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। ओके गाइस टेक केयर। कल का ये प्लान है। अभी मैं सोच रहा हूँ कल चोपटा जाते हैं और तुंगनाथ जी के दर्शन करते हैं। ओके गाइस बाय बाय।